जी एक्चुअली ये जो मराठी मूवी है के पवार फिल्म प्रोडक्शन निर्मित दिग्दर्शित विश्व विधाता जो ये मराठी मूवी दत्त महाराज के ऊपर एक धार्मिक डिवोशनल मूवी है। और ये मूवी पहली बार दत्त महाराज के ऊपर बन रही है और दत्त श्रीपाद श्रीवल्लभ के जो चरित्र हैं उनके आधार पर ये स्टोरी लिया गया है और हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। और आज की जो संस्कृति है, संस्कार है, जो आज जो लोग भूल रहे हैं और उसको हम ये बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कि आज के लोगों को पता नहीं है कि ये मूवी के माध्यम से हम लोगों के पास तक लाना चाहते हैं। जैसे कि मंदिर में जाना क्यों, बड़ों का रिस्पेक्ट करना क्यों और उसका क्या क्या फल मिलता है और बाकी और जो पूर्वज है जो अपना अपने शिवाजी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे, उसके बाद में गजानन महाराज कौन थे, साईं बाबा कौन थे, ये लोगों काफी को काफ़ी सब्जेक्ट पता नहीं है। तो हम ये मूवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आज आज की जो कलयुग में जो स्थिति है कितनी खराब है। धर्म धर्म अधर्म का ऊपर कोई चल नहीं पा रहा है। तो हैंडीकैप है, कोई बंदा हैंडीकैप है, उसको जिंदगी भर एक एहसास होता है कि एक्चुअली मैं हैंडीकैप क्यों हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन उसके हर जवाब ये मूवी के माध्यम से उन्हें मिलेगा और हर क्वेश्चन का। और जो कोई अगर गलत ट्रैक पे जा रहा होगा और वो जाएगा नहीं, क्यों, एक्चुअली कि उसे पता चलेगा कि गलत ट्रैक पे जाने के बाद में भगवान कितनी बड़ी पनिशमेंट देता है। तो हमारा तो ये सब लोगों का प्रयत्न है। हम लोग तो एक्चुअली काफी लोग धार्मिक मूवी करने के लिए डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे पीछे वो है भगवान, वो बुद्धि देने वाला है और हमारे से करवा के ले रहा है ये मूवी। अभी इसका शूट 24 का है, काफी आर्टिस्ट है, मोहन जोशी सर है, सचिन पिलगांवकर सर से भी बात चल रही है, नाना पाटेकर साहब से बात चल रही है, उसके बाद में वर्षा उसगांवकर जी है, भाऊ कदम जी है और काफी दिग्गज इंडस्ट्री के बॉलीवुड के है कि जो भक्त है और उन्होंने काफी सहकार्य किए हैं। अभी सर सर जी के सुरेश वाडकर साहब जी के स्टूडियो में उन्होंने भी काफ़ी कॉपरेट करे, यहाँ उनका स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हम लोग और कोशिश है सब बढ़िया हो। आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग का मौका है, किस तरह का सॉन्ग होने वाला है फिल्म का? ये एक्चुअली एक शंकर भट्टा नाम का एक कैरेक्टर है, वो भगवान को मिलने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती हैं और भगवान कितने परीक्षा देखते हैं उसके ऊपर वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस को तो सर ये किया कहना है मुझे कि एक्चुअली ये मूवी देखो कि आप लोगों कौन सी स्थिति में हो, आप बेहोशी में कितना जी रहे हो, आपको होश पूर्वक में जीना चाहिए, दुख कहाँ से आता है, दुख का दरवाजा बंद करना है तो ये मूवी देखो, जरूर उनको मार्ग मिलेगा और वो खुद कौन है उनको पता चलेगा। और मैं इस फिल्म में सुमन का कैरेक्टर निभा रही हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि दत्त महाराज के ऊपर ये फिल्म बन रही है। और सर का इस मूवी बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, मैंने सर को पूछा, सर मैं खुद चरित्र पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप दत्त भगवान के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। जो दत्तात्रेय भगवान हैं वो तीनों तीन महाशक्तियाँ जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? तो सर ने मुझे बहुत अच्छा सा जवाब दिया, नितल हमें जनहित के लिए ये मूवी बनानी है और आज की डेट में जैसे बहुत सारी मूवी आ रही है, एक चैलेंज है कि ऐसी मूवी में बनाए रखा हूँ। और इसके पीछे एक ही वजह है कि आजकल जो बिगड़े हुए जो संस्कार हैं उनको हम अच्छी तरह से संभालें और उनकी रक्षा करें और आगे चल के हम इनको इसके ऊपर जो भी आने वाला जो पीढ़ी है, जो नए युवा है, वो उस पर चल सके। जी आप क्या कहना चाहेंगे ऋषि? और पहले सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश मोरे है और मैं इस फिल्म में खुद भगवान का रोल प्ले कर रहा हूँ, श्रीपाद शिवल्लभ। खुद भगवान और बहुत बड़ा रोल है तो अच्छा से मतलब अच्छे से प्ले करना होगा। पहली फिल्म में कुछ नर्वसनेस है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है काम करने के लिए? एक्साइटमेंट बहुत है लेकिन नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली मूवी है, अभी काम किया वाला नहीं है इसलिए, लेकिन सर गाइड करते रहते हैं मुझको, इसलिए कोई कोई भी प्रॉब्लम आया तो सर गाइड करते हैं, मैं इसको फॉलो करता हूँ। अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या डायरेक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस? नहीं,
मैं तो एक्ट करता ही हूँ लेकिन सर गाइड करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। सर एक्ट करवाते हैं और मैं ये कहना चाहूँगी पहले कि जब मुझे पता चला कि दत्तात्रेय भगवान का जो किरदार है, मैंने पहले सवाल पूछा सर दत्तात्रेय भगवान के ऊपर मूवी बन रही तो इसमें रोल कौन निभा रहा है श्रीपाद वल्लभ का, तो बोले ऋषिकेश मोरे। तो मैंने कहा सर मुझे देखना है उनको मतलब, और जब मैंने उनकी फोटोज़ का मतलब जो लुक देखा तो यू नो ऋषि बहुत परफेक्ट लगा उस लुक के लिए और सर ने बहुत सिलेक्शन किया उनका एकदम परफेक्ट। आज का जो गाना लॉन्च है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना होने वाला है? गाना सॉन्ग रिकॉर्डिंग जो है और बहुत ही फील वाला गाना है वो, और वो गाना दर्शकों के दिलों को बिल्कुल छू जाएगा और बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी सॉन्ग है। शब्द कोड़े सुटना दी देव माझा वरी से कोपले का, देव माझा वरी कोपले का, देवन जीवनावरी रुसले का। आज जो सॉन्ग आपने रिकॉर्ड किया उसके बारे में कुछ बताया, किस तरह का सॉन्ग है, क्योंकि हमने देखा कि काफी सोलफुल सॉन्ग था ये। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पहचाना और मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे आशीष मोरे साहब का, बहुत ही सुंदर गाना मुझे मिला आज, बहुत दिनों के बाद एक हाईली मेलोडियस गाना गाने का चांस मिला जो आजकल बनता नहीं। मैं तो डायरेक्टर साहब के पवार साहब को बहुत बधाई दूंगा कि इस तरह का गाना उन्होंने चुना है, क्योंकि विषय ऐसा उन्होंने लिया हुआ इस पिक्चर का, भाग्य विधाता फिल्म का नाम है, विश्व विधाता इस फिल्म का नाम है और श्रीपाद वल्लभ महाराज जी के जीवनी के ऊपर ये पिक्चर बन रही है और बहुत सुंदर गाना लिखा है सोनटक्के साहब ने और मैं उम्मीद करता हूँ कि पवार साहब इसको बहुत खूबसूरत पिक्चराइज करेंगे और ये फिल्म क्योंकि धार्मिक फिल्म है और दत्त महाराज जी के अवतार हैं श्रीपाद जी, तो ये मेरे ख्याल से सारे महाराष्ट्र में ये धूम मचाने वाला है। मेरे ख्याल से अगर हिंदी में भी अगर डब करेंगे तो सारे दुनिया में ये पसंद करेंगे और मैं मेरे माई बाप जो सुनने देखने वाले हैं उनको सबको यही गुजारिश करूंगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी जल्दी ये फिल्म तैयार हो जाए और हम सबको देखने को मिले और आप अपना आशीर्वाद इन दोनों बच्चों को दीजिए, यही मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए आपके नाम के साथ और आपने क्या कुछ किया है। ओके माय सेल्फ रोलिंग है ना, ओके माय सेल्फ आशीष मोरे, मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी में बहुत काम किया है, एक्चुअली जा रहे तुम करके मेरा एक एल्बम है जो 2012 में आया था जिसमें मैंने शान सर, कुणाल सर, जावेद अली सर इन सब के साथ काम किया और बहुत सारे एल्बम्स भी किए, लेकिन मराठी फिल्म्स की अगर बात करें तो ये मेरी पहली मराठी फिल्म है और मेरे लिए बहुत प्राउड फील है कि मेरी पहली मराठी फिल्म का पहला सॉन्ग सुरेश सर ने गाया है। सो किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र के लिए एक सपने जैसा होता है कि सुरेश जी उनका गाना गाए, लेकिन मेरी पहली फिल्म पहला सॉन्ग और वो भी सुरेश सर, इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती मेरे लिए। आई थिंक अगर किसी कंपोज़र के लिए अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका या मौका कोई हो सकता है तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता और सुरेश सर के आशीर्वाद अब मुझे मिल चुके हैं तो आई थिंक इसके आगे सब अच्छा ही होगा। एंड ये फिल्म, ये गाना भी उनको बहुत पसंद आया। सुरेश सर ज़्यादातर किसी की तारीफ नहीं करते बट
आज उनके मुँह से मेरे लिए इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे अंदर से बहुत ऐसे इमोशनल फील हुआ कि यार चलो जिस हम ट्रैक पे है वो ट्रैक सही है। और सुरेश जी ने गाने को बहुत सराहा, बहुत उनको अपील हुआ और बहुत प्यारा गाया है उन्होंने। मतलब आप ये कह सकते हो कि उस गाने को उसकी सोल मिल गई। सो आई एम वेरी हैप्पी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है के पवार, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। विश्वविधाता नाम है फिल्म का, इट्स डिवोशनल काइंड ऑफ फिल्म, बट फिर भी वो म्यूज़िक के लिए कुछ अलग जॉनर चाहते थे। वो रूटीन ऐसा म्यूज़िक नहीं चाहते थे कि जो आए लोग सुने और ऐसे ही चला जाए। ही वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट कि इट्स अ सैड सॉन्ग, बट दो ये सैड भी ना लगे और ऐसा भी ना लगे कि ये कि यू नो कि आजकल जैसे लड़के लड़कियाँ इस टाइप में ना जाए, बट उसका फ्लेवर उसको हो। सो इट्स डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड एंड दैट काइंड ऑफ सॉन्ग ही वॉन्टेड कि जो उनका जो भक्त है तो वो चाहता है कि उनको भगवान मिले लेकिन मिल नहीं रहे। तो इस गाने का थॉट ही बहुत बढ़िया था। सो इसको रंगनाथ सोनटक्के जी ने बहुत अच्छा लिखा और कंपोज करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसके लिरिक्स बहुत बढ़िया थे। तो अगर लिरिक्स अच्छे होते हैं तो कंपोज़र को और मज़ा आता है गाने को कंपोज करने में। सो मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, 100% वर्क किया और इसका नतीजा आज ये है कि सुरेश सर ने इसको अप्रिशिएट किया। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सारे लोगों को, सभी दर्शक हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर इस गाने का ये ले, सुने, इसको पसंद करे, एंजॉय करे और सभी लोग आके इस फिल्म को देखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।